ओपन मीटिंग की थर्ड वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ था नैनो एडिटर और उसके अंदर रेड फाइव स्क्रिप्ट का सारा टेक्स्ट हमें यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। तो ये आपने गौर से ध्यान से यहाँ से इसको कॉपी और फिर यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है। और पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ऑप्शन है राइट आउट की, सेव करना है। और इसके बाद हमने इस फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाना है और ताकि जब भी हम इस फाइल को सिस्टम हम स्टार्ट करें तो ये इसको रन करें। तो अगर आप देखें तो इसने सिस्टम स्टार्टेड ऑप्शन में भी, स्टार्टअप ऑप्शन में भी इसको ऐड कर दिया है। अब इसके बाद कुछ चेंजेस हमने करनी है छोटी सी डेटाबेस के अंदर। तो अब हम उन चेंजेस को भी यहाँ पे देखते हैं। मैं यहाँ से जो टेक्स्ट है उस सारे को कॉपी करता हूँ और उसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। आपको याद होगा आपने पासवर्ड जो रखा था माई सीक्वल का, हम यहाँ पर वो देते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर उसने क्रिएट कर दी है, लेकिन बाकी कमांड्स हम देखते हैं कि क्या आया, वो भी हो चुकी हैं। इसको मैं दोबारा कॉपी करता हूँ यहाँ से नेक्स्ट कमांड्स को, यहाँ से इसको पेस्ट करता हूँ। थी इसके अंदर डाटाबेस एग्जिस्ट कर रही थी, उसने एरर दे दिया। और इसके बाद हम जी, इसने भी इसको ऐड कर दिया, कोई एरर नहीं दिया। इसका मतलब है कि अब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और फिर पासवर्ड, यहाँ पे हम पासवर्ड के तौर पे अपना पासवर्ड ऐड कर सकते थे, हमें करना चाहिए था, लेकिन कोई इशू नहीं है क्योंकि हम ये टेस्ट बना रहे हैं तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने XML फाइल को यहाँ से लेना है और इस फाइल के अंदर थोड़ी सी चेंज करनी है। डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के लिए अच्छा, ये फाइल हमने इसको जी, ये फाइल इस तरह हमें नहीं मिलेगी। अगर आपको याद हो तो रेड फाइव के अंदर फिर रेड फाइव था, नहीं। इस फाइल को हम एक दफा देख लेते हैं। हमारे पास कॉन्फ के अंदर हाइबरनेट फाइल मौजूद नहीं है तो हमें ये बनानी पड़ेगी। जी, यहाँ पे हमें फाइल बनानी पड़ेगी। जो इन्फॉर्मेशन उसने यहाँ पे प्रोवाइड की है, इस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पे चाहिए। फाइल यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए लेकिन ये मौजूद नहीं है, तो कोई इशू नहीं, हम इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके बना लेते हैं। पासवर्ड को मैं पासवर्ड से चेंज नहीं करूँगा क्योंकि हमने वहाँ पे पासवर्ड ही रखा था।
यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो सबसे पहले हम एक छोटा सा काम करते हैं कि हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या हमारा MySQL सर्वर चल रहा है। जी बिल्कुल चल रहा है। यहाँ पे हम अपनी वीडियो को क्लोज़ करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम बाकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे।